नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बेहद बेहद स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंडरी जोड़ी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की। बता दें कि जया बच्चन का आज 75वां जन्मदिन है, ऐसे में फैंस उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिरकार किस तरह से ये जोड़ी न केवल बड़े पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी एक आइकॉन बन गई। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के प्यार के किस्से है ही इतने खूबसूरत। तो आपको बता दें कि जया बच्चन जिनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को हुआ था, महज 15 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली जया बच्चन जितनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी उतनी ही खूबसूरत जीवन साथी भी हमेशा से ही रही। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन का हाथ उस वक्त थामा जब उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। वहीं अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो कई बार वो अपने इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं उसके लिए जया बच्चन का योगदान उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो अमिताभ बच्चन को नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन ही थी जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। लाखों फैंस हॉस्पिटल के आईसीयू रूम के बाहर जिस तरह से एक जमावड़ा फैंस का लग गया, जहाँ एक और फैंस लगातार दुआ मांग रहे थे, तो वहीं जया बच्चन को भी ये भरोसा था कि अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का रिश्ता काफी ज्यादा खट्टी मीठी यादों से बना है, खट्टी मीठी बातों से बना है। अमिताभ बच्चन कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि जया बच्चन थोड़ी गर्म मिजाज की है, ऐसे में जब भी जया बच्चन को गुस्सा आता है तो वो बड़े ही प्यार से उन्हें मनाते हैं। जया बच्चन को जो चीजें खाने में ज्यादा पसंद है वो उन्हें उनके सामने रख देते हैं जब जया उनसे नाराज हो जाती है। हाल ही में बिग बॉस, यहाँ पर जिस तरीके से बात करें, बिग बी ने हाल ही में केबीसी के शो पर कुछ ऐसा खुलासा किया था जो काफी ज्यादा गुदगुदाने वाला था। दरअसल आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने बताया कि आज भी जब उनकी श्रीमती जी नाराज हो जाती हैं तो वो उन्हें बड़े ही प्यार से मनाते हैं और ये चीज जया बच्चन को काफी ज्यादा पसंद है। यानी कि शादी के इतने सालों बाद भी दोनों का रिश्ता बेहद ही ज्यादा मजबूत है। चाहे जया बच्चन यूं तो कितने भी गर्म मिजाज की हो, लेकिन जब भी वो किसी से प्यार से बात करती है तो फैंस खुश हो जाते हैं। हालांकि जया बच्चन के गुस्से वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं, लेकिन अब अगर बात करें जया बच्चन की, उनके गुस्से के पीछे की एक वजह है। जी हाँ, आपको बता दें कि जया बच्चन को एक बीमारी है जिसकी वजह से कैमरे की फ्लैश लाइट और ज्यादा भीड़ से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो पैनिक हो जाती है। जया बच्चन की अगर बात करें तो जया बच्चन को उनकी 33 फिल्मों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जया बच्चन की अगर संपत्ति की बात करें तो आपको बता दें कि 1,000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति की मालकिन है जया बच्चन। तो जया बच्चन के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी से जुड़े ये खास किस्से जानकर कैसा लगा, और साथ ही जया और अमिताभ की शादी और प्यार की स्टोरी से जुड़े ये कुछ फैक्ट्स जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।